ये लेग वर्कआउट रूटीन करते वक्त आप काफ़ी हैवी वेट मारने वाले, अपने पीआर हिट करने वाले हैं, सो दैट जितने भी बिगनर्स हैं उनको अच्छा खासा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एज योर बॉडी इज प्रिटी। अगर इसको ढंग से करोगे 1.5 आवर में आपका काम पूरा हो जाएगा। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर, आप देख रहे हैं WTD। आज के वीडियो में एक परफेक्ट लेग वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट के लिए, एंड साथ ही में वीडियो के एंड में आप जिम जाने वाले मेरे भाइयों आप लोग के लिए गिव अवे भी होने वाला है। ये वर्कआउट रूटीन परफेक्ट होने वाला है किसी के लिए भी जो बस 6 महीने का अंडर एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्सो फॉर दोस पीपल जिनका थोड़ा कहते हैं ना कि ब्रेक हो चुका है, वो लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सही है। इस लेग वर्कआउट रूटीन में हम पीआर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्टली, सो दैट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ते रहे, एंड सेम टाइम पे आपका जो फैट लॉस है वो भी होता रहेगा। कौन से फॉर्म्स आपको मारने, कौन से मसल ग्रुप आएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको वो बताने वाला हूँ, साथ में उनके सेट्स भी आपको बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको आपका पॉस्चर लग रहा है कि थोड़ा गलत है, आपकी जो फॉर्मेशन है गलत है, आपके जनरल ट्रेनर से वहां पे हेल्प लीजिए। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे ही बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम में अपने वीडियोस बनाकर मुझे भेज देना, मैं आपको 1-on-1 गाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए आपके मंडे से लेकर संडे में आप कौन सा स्प्लिट कर रहे हैं, आपका वर्कआउट रूटीन क्या। कोई भी वर्कआउट रूटीन शुरू करने से पहले दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कोई वार्म अप कर ले, सो दैट आपकी जो मसल स्टिफनेस है वो थोड़ी सी लूजन हो जाए, सो आप यू आर रेडी टू गेट योर वर्कआउट डन। नाउ फॉर वार्म अप आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा रनिंग कर सकते हो या आप थोड़े स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आई वुड रिकमेंड ज्यादा इंटेंस नहीं करना है, थोड़ा करना है, एकदम ही ज्यादा सिर्फ लेग स्ट्रेचिंग मत कर देना स्टार्ट में। एक बार आपका वार्म अप हो चुका है तो हम पहला सेट मारने वाले हैं, वो होने वाला है स्क्वाट का। स्क्वाट में हम टोटल लेने वाले हैं 4 सेट। स्क्वाट्स में याद रखिए दोस्तों ये वेटेड स्क्वाट होने वाले हैं, तो आपका जो फर्स्ट होने वाला है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप वेट डालेंगे। याद रखेंगे एक चीज, एंड द मोस्ट गोल्डन रूल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, कि भाई आपका जो ईगो है वो बाहर आप डोर पे रख के आएंगे जहां आप अपनी चप्पल रखते हैं, सो दैट आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके साथ है, दूसरों के साथ नहीं है। दूसरा बंदा कितना भी मारेगा उसको मारने दो, ठीक है। अपने हिसाब से वेट सेट कर लीजिए। एक वार्म अप सेट लेने वाले हैं जिसमें आप रेपिटेशन रखेंगे ऑलमोस्ट 10 की। एक बार आपका फर्स्ट वार्म अप सेट हो चुका है, इसके बाद आपको 3 मेजर सेट्स करने हैं। 3 मेजर सेट में जो आखिरी सेट होने वाला है उसमें आप कोशिश ये करने वाले हैं कि जो आपने वेट लास्ट वीक मारा था, अगर आपने लास्ट वीक लेग वर्कआउट किया था, वो लेग वर्कआउट का जो फाइनल वेट था उससे एटलीस्ट 10 पाउंड्स आप कोशिश करो ज्यादा मारने की, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो रेपिटेशन चलने वाला है आपके मेजर 3 सेट में वो होगा, पहले में आप मारेंगे 10, दूसरे में 8, एंड तीसरे में आप कोशिश करेंगे आपका पीआर हिट करने के लिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जितना जाता है जाए, मैंने पर्सनली 8 मारे। मेरी इंजरी के बाद से अभी तक में मेरा मैक्स जो मेरा पीआर जा रहा था लास्ट वीक तक का वो था 90 kg का। इस हफ्ते मैंने मारा है ऑलमोस्ट 100 kg का, मैंने अपना पीआर हिट कर लिया। आप कोशिश करेंगे आपके हिसाब से, 2 भी जा रहे 3 भी जा रहे बहुत है। सेकंड जो फॉर्म आप करने वाले हैं वो होगा वेटेड स्टेप अप। अब स्टेप अप के लिए बेसिकली काम क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। इधर आपके जो जिम में जो बैग है आप वो जिम बैग को अपने शोल्डर में रख के देन एक अच्छे खासे एलिवेटेड कोई आप बॉक्स ले लीजिए आपके जिम में डेफिनेटली होगा, उस पर आपको चढ़ के आपके स्टेप अप्स करने हैं। इसमें आपका टारगेट ये होने वाला है कि आपके ईच लेग पे आप करोगे टोटल 10 रेपिटेशन। इसके जो टोटल स्टेप अप के आपको सेट्स करने हैं वो होते हैं 3, तो याद रखिए मतलब आप पर लेग 10-10 कर रहे हो, तो आपके लेफ्ट पे आप टोटल करोगे 30 एंड आपके राइट पे आप करोगे टोटल 30। स्टेप अप करते वक्त याद रखना कि आपको जो सेकंड लेग है वो सिर्फ टच करता है बॉक्स को, वहां पे स्टेबल नहीं होता है, यू आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन योर लेग्स, ठीक है, आपको वहां पे सपोर्ट ज्यादा नहीं लेना है। एंड मेरे भाई अगर आप लोग अच्छे से वर्कआउट करें तो आपको 2 चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपकी न्यूट्रिशन एंड आपकी सप्लीमेंटेशन के लिए, बिकॉज लेग वर्कआउट पे आपके मसल्स पे आपके बोन्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा खासा मल्टीविटामिन लें। मल्टीविटामिन के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आज की वीडियो में एज इट इज का एटम मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड वुमेन। एटम के इस मल्टीविटामिन के अंदर दोस्तों आपको टोटल 60 कैप्सूल्स मिलते हैं जो इजिली आपका 2 महीना चल सकता है, डिपेंडिंग आप अगर एक गोली ही खाते हैं दिन में। इसके अंदर 31 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपको हेल्दी रखेगा एंड आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखेगा। एज इट इज ने अपने एटम सीरीज के इस मल्टीविटामिन में इस तरीके से डिजाइनिंग करी है कि जो जिम गोअर्स है उनके लिए परफेक्ट है, एंड विटामिन इज वेरी मच एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग योर आई हेल्थ, आपकी टोटल ओवरऑल हार्ट हेल्थ, स्किन, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी, इस सब में चीजों में आपको विटामिन सी काफी ज्यादा जरूरत होती है। बेस्ट टाइम टू टेक द मल्टीविटामिन वुड बी कि आप उसको डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के बाद ले लें। अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर इतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से कहीं मुझे डाइजेशन इशू ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर प्रोबायोटिक ब्लेंड है फॉर बेटर डाइजेशन। एंड ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया के थ्रू बात तो पता ही होगी कि जो एज इट इज का मल्टीविटामिन है ये सोनू सूद का एंड रवि कुमार दहिया जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के आए थे उनका फेवरेट है। अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो इसका जो लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। थर्ड फॉर्म जो आप करने वाले आपके लेग वर्कआउट में वो होने वाला है आपका लेग प्रेस वर्कआउट। लेग प्रेस एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है दोस्तों अपने मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और याद रखिए लड़कों के पैर जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अगर अच्छे से डेवलप करना है तो भाई आप लेग प्रेस में
जितना मैक्स वेट मार सकते हो उतना आपके लिए अच्छा। इसमें आपको करना है टोटल 4 सेट। फर्स्ट सेट आपका वार्म अप होने वाला है, इसके बाद आपके 3 मेजर सेट्स होंगे। फर्स्ट सेट में कोशिश कीजिए आप कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन कर पाएं। एक बार आपका फर्स्ट सेट जो वार्म अप सेट है वो हो गया, उसके बाद जो आपके मेजर 3 सेट्स हैं उसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मारेंगे 10, 8, 8, ये होना चाहिए आपका मैक्सिमम रेपिटेशन। याद रखिए इसमें वेट जब आपका आखिरी सेट होगा, तीसरा वेट, उसमें आपका मेन गोल ये होना है कि आपका पीआर हिट हो। आप जितना मैक्सिमम वेट मार सकते हैं मारिए, पर याद रखना लेग प्रेस में इंजरी भी हो जाती है, तो ईगो लिफ्टिंग नहीं। लास्ट टाइम से 10 पाउंड्स भी अगर आपने ज्यादा मारा है आपका काम हो गया। चौथा जो हम फॉर्म करने वाले लेग वर्कआउट में वो होगा हमारा लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स करने हैं वो है 4। इनका जो रेपिटेशन होगा वो होने वाला है 15, 12, 10 एंड 8, 8 बीइंग योर लास्ट सेट एंड बीइंग योर लास्ट पीआर सेट। याद रखिए दोस्तों जब आप लेग एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो थोड़ा होल्ड करने का हैबिट रखिए जब यू कम आउट द टॉप, सो दैट आपके जो अच्छे से कॉर्ड्स वाला एरिया है वो एकदम से स्ट्रांग फील हो, एंड जितना धीरे आप नीचे आए उतना अच्छा, मशीन के फ्लो पे उस ग्रेविटी पुल पे नीचे ना आए तो ज्यादा बेटर होगा। फिफ्थ जो आप सेट करने वाले वो सेमी मशीन पे होने वाला है, वो है आपका लेग कर्ल का। सेटिंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। लेग कर्ल में आपको टोटल करने हैं 4 सेट। यहाँ पे आपका जो रेपिटेशन होने वाला है वो होगा 15, 12, 12, 10 का। आखिरी जो हम वेट मारने वाले हैं वो है हमारा सीटेड काफ रेस। सीटेड काफ रेस बहुत अच्छा वर्कआउट है दोस्तों, फॉर एज अ फिनिशर वर्कआउट आई वुड से, अपने काफ्स को अच्छे से खासा वो डेवलप कर देता है। इसमें आपको मारने टोटल 3 सेट्स, एंड 3 सेट्स का जो रेपिटेशन होने वाला है वो होगा 10, 8 एंड 8 का। सीटेड काफ रेस मारते हुए दोस्तों ध्यान में रखना कि आप अपने जो नी जॉइंट है जॉइंट के वहाँ नहीं रखेंगे मशीन को, थोड़ा सा अपने नी को आगे कर ले, सो दैट आपका जो नी का कैप्स है वो थोड़ा बाहर की तरफ हो, नी कैप के ऊपर एग्जैक्ट रख के आपको वेट नहीं मारना है वरना इंजरी हो सकती है। ये लेग वर्कआउट रूटीन करते वक्त आप काफ़ी हैवी वेट मारने वाले, अपने पीआर हिट करने वाले हैं, सो दैट जितने भी बिगनर्स हैं उनको अच्छा खासा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एज योर बॉडी इज प्रीटी न्यू, एंड जितने लोग ब्रेक के बाद आ रहे हैं उनकी मसल मेमोरी रीएक्टिवेट होगी। याद रखिए वेट्स अपने हिसाब से मारिए, किसी से ईगो नहीं लगाना है, जितना वेट आपको सही लगता है आप उतना ही वेट मारेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिए जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो एटलीस्ट नाउ गिव अराउंड 15 मिनट्स फॉर स्ट्रेचिंग। अच्छे से अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए सो दैट आपको कोई मसल स्टिफनेस, मसल सोरनेस ना हो। बिगनर्स हो और आपको इतना हैबिट नहीं है हैवी वर्कआउट करने का तो आपको मसल सोरनेस होगी, तो डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आपके मल्टीविटामिन्स पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, आपकी रिकवरी काफी अच्छी रहेगी, एंड देन यू कैन गो बैक नेक्स्ट डे एंड डू योर वर्कआउट। ये वर्कआउट रूटीन मैंने एकदम सिंपल एंड शॉर्ट रखा हुआ है, टू द पॉइंट मैंने कहा है, आप अगर इसको ढंग से करोगे 1.5 आवर में आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास अभी तो भी टाइम है तो आप एप्स के लिए 30 मिनट्स दे सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं गिव अवे को लेके, जिसके लिए आप लोग मेजरली लोग रुके हुए थे। तो भाई मैं आप में से किसी भी एक लकी विनर को देने वाला हूँ एक मल्टीविटामिन का बॉक्स, तो अगर आप उसको जीतना है तो आपको करना है ये कुछ चीज़ें। बाय डिफॉल्ट आपको मेरे इस चैनल को और मेरे ब्लॉग चैनल दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने कर लिया है उसके लिए स्टेप 2। मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर ना एक सीरीज चल रही है नॉर्थ इंडिया सीरीज की, वो आप यूट्यूब पर भी या मेरे फेसबुक पेज पर दोनों पर जाके कहीं पर भी देख सकते हैं आपके हिसाब से। आपको उस सीरीज में से किसी भी वीडियो पर जाकर आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं मेजरली कौन से 2 लोकेशन था जहाँ पर मैं रुका हुआ था दिल्ली में। मैंने वीडियो में चिल्ला के बताया उसके बारे में, तो जब सीरीज देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं आपका नाम नोट कर लूंगा। एंड तीसरी एंड आखिरी चीज आपको करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे एंड मेरे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी में मुझे टैग करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपने ये सारा काम कर दिया। दैट्स इट। विनर्स जो होंगे उनका अनाउंसमेंट होने वाला है मेरे लाइव वीडियोस में, एंड यूजुअली जो होता है सैटरडेज को, उसकी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा कर रखना जरूर। ऑल इन ऑल दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरा ट्विटर आईडी, आप दोनों पे आके मुझे फॉलो करके डीएम कर देंगे तो मैं आपको 1-on-1 हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो रिक्वेस्ट तो मुझे इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट पे या ट्विटर पे कहीं पर भी आके मुझे मैसेज कर दीजिए, वो टॉपिक के बारे में वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा अगर डिमांड है। एज ऑलवेज मेरा भाई, आप लोग जहां पर भी रहेंगे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने घर वालों का ध्यान देंगे, अच्छे से जिम करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक जुड़ा में बाय।